reference to their jnan, to their darshan and to their charitra. Nirmal jnan jo moksh ki or le jata hai, darshan yani jo shraddha unme hai dharm ke prati, tabhi to utna bada sahas kiya. Shraddha nahi hoti to fir aapko vishwas hai ki yahi rasta hai, to aap us raste se chale aur yahan pahunch gaye. Aapko vishwas hi nahi hai to kaise pahunchoge? तो विश्वास जो है धर्म पे, इट्स वेरी पावरफुल थिंग विच हेल्प्स यू टू मूव फॉरवर्ड. तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र और विश्वास के आधार पर आपने गाड़ी शुरू तो की. अगर कभी कभी होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों हस्बैंड वाइफ गाड़ी में हैं, एक कहते हैं कि ये डायरेक्शन सही है, दूसरा कहता है वो डायरेक्शन सही है, कौन सही है, सही कौन है, हस्बैंड है कि वाइफ है? नहीं, जो पावरफुल है वो सही है, उसी की चलती है. अगर हस्बैंड पावरफुल है तो उसकी चलेगी, और वाइफ पावरफुल है तो उसकी चलेगी. तो जो साधु साध्वी हैं उनका जो डेडिकेशन है वो एक्सट्रीम लेवल पे है, और वो चारित्र के प्रति है. विदाउट डाउट दे स्टार्ट द जर्नी विदाउट अ क्वेश्चन. तो हम उनको आज याद करते हैं और ये संकल्प करते हैं कि हमारा भी जीवन ऐसा संयममय कभी हो. श्रावक के तीन मनोरथ है, राइट? व्हाट इज द फर्स्ट मनोरथ? कब में? व्हाट इज द थ्री एस्पिरेशंस ऑफ योर्स? साधु. कब मैं साधु बनूंगा? व्हाट एल्स? ऐसा नहीं है कि कब मैं बहू क्या सास बनूंगी, कब मैं डॉक्टर बनूंगी, कब मेरा ये जॉब हो जाएगा. तो अंदर की जो तीन एस्पिरेशन है, द फर्स्ट वन इज कब मैं अल्प परिग्रही बनूंगा या बनूंगी. यू हैव टू मच ऑफ पोजिशन, कैन आई लिमिट दैट? सेकेंड थिंग इज कब मैं मेरे जीवन में भी साधुता आए, संपूर्ण त्याग. एंड थर्ड इज मेरे को भी संथारा आए. जाएं तो अवेयरनेस के साथ, जाएं तो त्याग के साथ, जाएं तो डिटैचमेंट के साथ. तो ऐसा जाएं कि मेरी आत्मा अगले जन्म में भी खिली हुई रहे, बुझी हुई नहीं. खिली खिले रहना है ना, तो वी हैव टू लिव विथ फुल एनर्जी एंड स्ट्रेंथ. तो ये तीन जो गुण है, इसमें एक जो श्रावक का मनोरथ है कि एक एस्पिरेशन है, दिस इज अ विश विच वी हैव एज अ श्रावक और श्राविका, इवन अंटिल द लास्ट ब्रेथ वी होप दीज वुड कम ट्रू. इमेजिन हाउ पावरफुल विश दे आर. तो हम आज जो ध्यान करेंगे उसमें उस विश को और स्ट्रेंथन करेंगे और इंटेंसिफाई करेंगे. हम आज उसके लिए रेडी हैं या नहीं है, डोंट क्वेश्चन योर सेल्फ. नहीं नहीं, तो इतना बड़ा फैमिली संभाल रही हूँ, कैसे होगा? मेरे हस्बैंड को तो कुछ भी नहीं आता है करना, सब कुछ तो मैं करती हूँ, तो उनका क्या होगा? डोंट क्वेश्चन योर करेंट पोटेंशियलिटी एंड योर करेंट सिचुएशन. इफ यू थिंक टुमोरो समथिंग कैन बी पॉसिबल, that tomorrow will be sometime someday become a today, right? आज जो कल है, कल वो कल नहीं रहेगा ना, वो आज बनेगा. तो अगर आपने एक ऐसा विश कल के लिए छोड़ दिया कि ये जरूर होगा, तो वो कभी ना कभी आज बन करके आपके जीवन में आएगा, this is guaranteed. ये तो चलो हमने साधुता की बात की, और कोई भी विश है आपका, हम स्पिरिचुअल विश की बात करेंगे, डोंट अप्लाई फॉर मटेरियल विश, वो वहां पर भी सही होगा. बट इफ यू हैव एन एस्पिरेशन कि मेरे लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज हो जाए, एंड थिंक ऑफ सिमंदर स्वामी, दैट टुमारो विल बिकम अ टुडे सून. ठीक है, रेडी फॉर द जर्नी? ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. हाथों की मुद्रा, ध्यान की मुद्रा. आज हम वीतराग मुद्रा के आप प्रयत्न करेंगे. यू नो व्हाट इज विच इज वीतराग मुद्रा? यू हैव सीन भगवान की प्रतिमा, राइट? विच हैंड इज ऑन द टॉप, विच पाम? राइट 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 ऑन द टॉप, लेफ्ट ऑन द बॉटम. यू कैन सी अलाइनमेंट के साथ रखना है, एकदम रिलैक्स मोड पे, कहीं स्टिफनेस नहीं है. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. I'm going to count 12.
And as I count 12, try to drop all which is bothering you, your concerns, your to-do list, your pending work, your things which is bothering you. You will exhale and just drop anything in your mind as you drop a stone which doesn't come back to you. A ball will always come back to you, but the stone will not. So drop literally from your mind everything which is going around. And your hand should be relaxed on your legs, so don't hang it in the air. Aram se, ha, ekdam relax. Breathe in. 12, 11, 10, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. We start with Om. Take a long breath in. Oh.
Concentrate your mind on the throat muscles. Make sure your shoulders are relaxed, eyebrows relaxed, body is relaxed. As you relax your throat, experience your mind is relaxing. Relax, 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 relax. Experience the whole body is completely relaxed. Now we take on the journey of Sarvasahana. Concentrate your mind at the end of the spine. Observe bright blue color, the color of the peacock neck. Breathe in, hold the breath. Sarvasahana. Sarvasahunam, Sarvasahunam. Exhale. Breathe in, hold the breath. Sarvasahunam, Sarvasahunam, Sarvasahunam. Exhale. As we repeat the mantra, feel the blessings of all the sadhu sadhvis is reaching us. Inhale. Sarva sahunam. 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 If you have any area of pain, you could bring your attention to that area as well for a few moments in between and then go back to the spine end. Breathing, back and neck in a straight line, don't bend down too much. Sarvasahunam, Sarvasahunam, Sarvasahunam. Take a journey from spine end to the top of the head. So imagine there is a beautiful circle which you create. You start from spine end and move on top of the head. Come back down to the spine end. And as I repeat the mantra, there is a beautiful circle
read of this mantra. Sarva sahunan, 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 sarva sahunan. Again, be in the now, feel the blessings flowing from whole universe, all the sadhu sadhvis coming to us. Inhale, sarva sahunam, 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 sarva sahunam. Spine end to top of the brain and back to the end. Take a journey between these two with sarva sahunam, sarva sahunam. Cosmic energy, the blessings is getting drawn towards us. And you're receiving the blessing. Few more moments of awareness. And now we move on to generating a wish for ourselves. Breathing, observe the mantra on top of your head to the bottom. It's there on the top of the head. Sarva sahunam. It's there inside your face. Sarva sahunam. It's there on your throat. Sarva sahunam, chest, sarva sahunam, abdomen, sarva sahunam, sarva sahunam.
legs filled with savvasa honan, savvasa honan, savvasa honan. And hands. Breathe in, hold your breath. Observe the mantra and generate a wish. I wish I reach the state of beautiful ascetic life. I wish I accomplish the ascetic life some day or the other, for sure. I wish I will be an ascetic for sure. I will be an ascetic. 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 Gradually and slowly you could observe yourself as a sadhu, as a sadhvi, as an ascetic. I am becoming an ascetic internally. I am an ascetic. I'm pure, peaceful, blissful. I'm pure, peaceful, blissful. I'm pure, peaceful, blissful. Take a long breath and smile on your face. Arhanti saranam pavajami siddhi.